एक बार एक लड़का टीवी पे बैठ के मिर्जा पुर देख रहा था, तभी उसे कालीन भैया की ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पसंद आ जाती है और वो मन ही मन सोचने लगता है, यार मेरे पास भी स्कॉर्पियो है, मुझे भी अपने स्कॉर्पियो को कालीन भैया के जैसा बिल्कुल लुक देना है। इतना सोचते ही वो अपने जगह से उठता है, भागते हुए अपने गैरेज में जाता है और अपने स्कॉर्पियो को स्टार्ट करके निकल पड़ता है अरमान भाई की वर्कशॉप में और उन्हें बोलता है कि गाड़ी को ब्लैक पेंट कर दो और इसके शीशे भी काले होने चाहिए। अरमान भाई ये बात मान जाते हैं और एक दिन के अंदर गाड़ी का लुक पूरी तरीके से चेंज हो गया था। अब वो लड़का अपने स्कॉर्पियो को लेकर मस्त खुश था क्योंकि उसकी स्कॉर्पियो बिल्कुल कालीन भैया की जैसी ब्लैक कलर की गैंगस्टर स्कॉर्पियो लग रही थी। अब पूरे शहर में स्कॉर्पियो का टशन मारने के बाद वो रेड सिग्नल पे रुकता है और जब वो सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार कर रहा था, इतने में दूसरी स्कॉर्पियो आती है और वो सिग्नल तोड़ के चले जाती है और इतने में वहाँ पे सामने एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उसमें से एक पुलिस वाला निकल के बोलने लगता है, सर मुझे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो दिख गई है और जैसा आपने कहा था उसके शीशे भी काले, तो इसका मतलब वो स्कॉर्पियो के अंदर ही गैंगस्टर है, ठोक दो इनकाउंटर कर दो उसका। सर और फिर वो पुलिस वाला स्कॉर्पियो पे गोली चलाना शुरू कर देता है जिसकी वजह से वो बंदा मारा जाता है। दोस्तों इस कहानी से हमने सीखा कि हमेशा आम के दाम और गुठलियों के आम बोलना चाहिए।